नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उसमें मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास कैपिटल है उसके लगभग आपको 5 से 10 हिस्से करने चाहिए। अगर आपने 5 हिस्से कर रखे हैं अपने कैपिटल के और आपने जो है सारी खरीदारी कर ली किसी भी ETF में, फिर आपको क्या करना है? पहली बात तो देखिए, आपको ये मौका आने वाला है नहीं, और आएगा तो क्या करना है? जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करा है कि सर, अगर हमने 5 की 5 जो हमारी बैंक की जो भी आप सिप करते हैं या लॉट वाइज खरीदारी करते हैं, वो 5 की 5 अगर आपकी खरीदारी हो जाती है तो फिर आपको कैसे प्रॉफिट बुक करना है और वहाँ पर जाके आपको क्या करना है? वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन एक बार आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा और इसके लगभग आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के, कि कैसे आप हैंडल कर सकते हैं अगर आपकी 5 की 5 बाइंग हो चुकी हैं तो। तो चलिए उनका कमेंट एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, फिर बात करते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, इन्होंने कमेंट करा है, सर जी अगर लगातार 3% की गिरावट पर खरीदारी करें तब हमें 5 बार खरीदने पर टोटल कैपिटल पर 12% का नुकसान होगा, ठीक है? और फिर ये एवरेज प्राइस भी लास्ट CMP से 6% तक ऊपर ही होगा। हाँ, 6% ऊपर होगा, ये बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने कहा है कि और लास्ट CMP से जो है लगातार 10% ऊपर बढ़े तब हमें 3% का प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, 10% नहीं, अगर 9% भी बढ़ता है तब भी आपको 3% का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर जो है इन्होंने कहा है कि 15% ऊपर बढ़े तो लाभ होगा 8%, ठीक है? कैपिटल 25 लाख हो, 25 लाख रुपये अगर होगा तो 8% में 2 लाख का फ़ायदा होगा, और लगातार 15% ऊपर बढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है सर? इन्होंने बोला लगातार 15% बढ़ना इतना आसान नहीं है। तो देखिए, हम इसके लिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय जो निफ्टी 50 का करंट मार्केट प्राइस है वो है जी 218 रुपये और 48 पैसे, ठीक है? तो मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप प्रतिशत वाइज इसमें ट्रेड करते हैं, तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया कैपिटल है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है? और इसके आपने अगर 5 हिस्से बना रखे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि एक हिस्से की खरीदारी आपको CMP पे करनी है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे। दूसरे हिस्से की खरीदारी आप 3% की गिरावट पे कर सकते हैं, 2% की गिरावट पे कर सकते हैं, 1% की गिरावट पे कर सकते हैं। ऐसे मैंने अलग अलग स्ट्रैटजी बताई है, लेकिन इस स्ट्रैटजी में जो बात हो रही है वो हो रही है 3% वाली, कि 3% अगर इसमें गिरावट आती है तब आपको जो है, लगातार 3% की गिरावट आती है तब आपको क्या करना है? तो पहली बात तो देखिए सर, ये जो है निफ्टी वीज है, ये निफ्टी 50 पे काम करता है, यानी कि निफ्टी 50 में जैसा जैसा प्रॉफिट आपको निफ्टी 50 के प्रतिशत बनेंगे, वैसे ही प्रतिशत के रिटर्न आपको इसमें भी बनेंगे। बिल्कुल ये रेप्लिका है निफ्टी 50 का, इसमें टॉप क्लास जो इंडिया की हाईएस्ट मार्केट टॉप क्लास कंपनियां हैं वो इसके अंदर 50 कंपनियां सम्मिलित हैं, और 14 अलग अलग सेक्टर हैं इसके अंदर, ये आपको पता है, पहले से ही मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है, और पूरे वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है कि CTF में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर है, उसका प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके लिंक में ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं एक बार। लेकिन इनका सवाल है कि सर, अगर लगातार 5 खरीदारी करनी है, लगातार 5 खरीदारी अगर हो जाएंगी तो दोस्त आप बहुत किस्मत वाले होंगे कि आप निफ्टी 50 जैसे ETF में 5 बार खरीदारी कर पाएंगे। 5 बार खरीदारी का मतलब समझ रहे हैं आप, 3-3% की गिरावट पे बाय करेंगे, पहली खरीदारी तो आपकी जो है CMP पे होगी, उसके बाद आप 12% तक नीचे जो है इसमें खरीदारी कर पाएंगे। 12% नीचे गिराना पड़ेगा निफ्टी को आपकी रेगुलर खरीदारी करवाने के लिए, तो ये भी असंभव है। अगर निफ्टी का 15% ऊपर बढ़ना असंभव है तो निफ्टी 50 का जो है 12% रेगुलर बेसिस पे नीचे जाना भी असंभव है, ये भी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की शानदार एल्गो स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे स्मार्ट ट्रेड कंपनी द्वारा क्रिएट और डिज़ाइन किया गया है। ये आपको मंथली 20 से 25% के रिटर्न प्रोवाइड करके देती है। दोस्तों, अगर आप इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सब्सक्रिप्शन का 1 पैसा नहीं देना। 30 सितंबर तक ये बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम फ्री रहेगी आपके लिए। लेकिन अगर इसके बाद आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 500 रुपये मंथली की आपको फीस इसकी देनी होगी। ये दोस्तों ट्रेडटोन मार्केट प्लेस पर अवेलेबल है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये कुछ आपको यहाँ पे ले जाएगी और यहाँ जाके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब के बाद आपको तुरंत ही इसमें काम कर देना, चालू नहीं कर देना है आपको, जो है देखना है 2 से 3 महीने पेपर ट्रेडिंग करनी है आपको, लगे
कि स्ट्रेटजी वाकई में शानदार है, आपको 20 से 25% के रिटर्न बना के दे रही है, तभी आप अपने ब्रोकर के साथ जाके इसको डिप्लॉय कीजिए और रेगुलर बेसिस पे एल्गो स्ट्रेटजी के थ्रू आपसे 20 से 25% के रिटर्न यहाँ से बना सकते हैं। इसमें आपका डर और लालच बीच में बिल्कुल नहीं आने वाला, आप ऑटोमेटिक तरीके से 20 से 25% के रिटर्न निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी जाके इस स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है लाइफ टाइम तक के लिए। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल असंभव है, ये भी सत्य बिल्कुल भी नहीं है कि 12% निफ्टी में गिरावट आ जाए। हाँ, अगर कोरोना जैसी कोई स्थिति आ जाती है तब जाके आपको शायद ये संभव हो कि निफ्टी 50 वहाँ से टूट के नीचे आ जाए, लेकिन इससे बचने के मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी मैंने एक बार बता दी तो ऐसा नहीं है वो रेगुलर बेसिस पे आप उस पर ही चलते रहेंगे। आप अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस वाला दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखिए, आपको ना समय समय पे किसी भी स्ट्रेटजी में बदलाव की आवश्यकता रहती है। मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप स्ट्रेटजी में अपने अनुसार थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आपका पैसा है, आपको लगाना है, प्रॉफिट आपको बनेगा, लॉस भी आपको होएगा, लेकिन मैं वो इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ आपको, वो तरीके बताता हूँ जिसमें आपका लॉस जो है लगभग बिल्कुल कम है या ना के बराबर है या बिल्कुल जीरो है। आप ETF में निवेश कर रहे हैं, 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 14 सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। और आप देखेंगे कि कोरोना काल में या जिस भी ऐसी सिचुएशन में है ना, जहाँ भी निफ्टी 50 गिरता है तो उसमें रिकवरी भी बहुत तेजी से आती है। बस आपको सब्र रखना है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया कि आपके अपने डर और लालच पे काबू रखना है। आपको ETF में लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप पूरा का पूरा जो है एक शेयर का गुच्छा खरीद रहे हैं, आप कंपनी का गुच्छा खरीद रहे हैं। निफ्टी 50 में जो है आपका पैसा 50 कंपनियों में लग रहा है, तो डरने वाली यहाँ पे बात है नहीं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि रेगुलर बेसिस पे 12% यहाँ से गिर नहीं सकता, और गिर भी सकता है तो देखिए आप निफ्टी 50 के अंदर है, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको पैसे जरूर बनेंगे। आप देखेंगे कभी भी एक लाइन में ऐसे नहीं चला है कि एक साथ गिर गया हो या एक साथ बहुत तेजी से उठाओ। अब देखिए, इसमें स्विंग ही तो करनी है आपकी, अगर यहाँ से खरीदा यहाँ तक गिरा तो ये देखिए यहाँ तक बाउंस बैक आया, इसमें यहाँ के बाद जब इसमें गिरावट आनी चालू हुई तो ये देखिए बीच बीच में यहाँ से गिरा है, फिर उठा है, फिर 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 गिरा है यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ से बढ़ा है, फिर थोड़ा सा गिरा है। तो ये देखिए रेगुलर ऐसे नहीं गिरता, एकदम नीचे की तरफ नहीं आता, शार्प नीचे नहीं आता, जो आप लगातार यहाँ पे 3-3% की खरीदारी आपको होती रहेगी। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आपको 3-3% की खरीदारी हर बार में होती रहे और आप 12% यहाँ से कवर कर जाएं। लेकिन फिर भी आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, अच्छी बात है, आप जागरूक हैं और होना भी चाहिए, हर व्यक्ति को होना भी चाहिए, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सर आपको इसके पहला उपाय जो है इसका वो है, ये पहला उपाय क्या है कि आप अलग अलग डीमेट अकाउंट में खरीदारी करिए, अलग अलग डीमेट अकाउंट में आप खरीदारी करिए। CMP की बाइंग आपने एक अकाउंट में कर ली अपने डीमेट में, उसके बाद जब ये 3% डाउन जाए तो आप अपने दूसरे डीमेट अकाउंट में जो है खरीदारी करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फीफो वाला जो रूल है तो वो नहीं लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, आप उससे बच जाएंगे। तो ये जो इसमें अगर रिकवरी आएगी तो सबसे पहले आएगी, आप यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास 4 अकाउंट हैं, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 एक और हो गया, 4 एक और हो गया, ठीक है। आप 12% यहाँ पे गिरावट में बैठे हैं, चौथा लॉट आपने, पांचवा लॉट जो है वो यहाँ पे लगा रखा है। तो जैसे ही निफ्टी 50 3% भागेगा, आपका ये वाला कैपिटल जो है यहाँ से फ्री हो जाएगा, 3% लेके आप यहाँ से निकल जाएंगे, फिर भागेगा आप ये वाला कैपिटल बुक कर लेंगे। इस तरीके से भी जो है, पहला तरीका तो ये है इससे बचने का कि आपका जो है कैपिटल पूरी तरीके से इसमें ब्लॉक ना हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर हमारे पास तो एक ही डीमैट अकाउंट है, अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट एक ही में करते हैं, और मेरी जो स्ट्रेटजी है वो स्विंग ट्रेडिंग की है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहें निफ्टी 50 में तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 है, आप देखेंगे इसका अगर लंबे समय का चार्ट देखेंगे तो आपको देखिए ये ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। लंबे समय का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है, आप देख रहे हैं ये चार्ट क्या कह रहा है। आप कहीं पे भी निवेश करेंगे, आप यहाँ पे निवेश करेंगे, जब भी आप ऊपर की तरफ, आपने यहाँ पे निवेश करा ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे निवेश करा ऊपर की तरफ, यहाँ पे करा ऊपर की तरफ, तो चार्ट जो है ना इसका यूँ चल रहा है, ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, यूँ यूँ ऐसे नहीं चल रहा, ऊपर नीचे। आप देखेंगे चार्ट जो है एक लय में चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है
और बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, ये आपको शानदार रिटर्न प्रोवाइड करके यहाँ से देगा। पहला तरीका मैंने बताया आपको कि आप अलग अलग डीमैट में रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो डीमैट ही नहीं है अलग अलग, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका सुनिए, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, एलाइज ब्लू का, स्टॉक कार्ट का, जरोदा का। आप किसी के साथ भी अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त डिस्काउंट ब्रोकर है ये, इनके साथ जाकर भी आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपकी पांचों खरीदारी हो गई तो पहली बात तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप निफ्टी फिफ्टी में हैं, आप किसी भी ETF में हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें वॉल्यूम भरपूर होना चाहिए, आप प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, बस आपको अपना डर और लालच को काबू में रखना है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपने पहली बाइंग करी निफ्टी वीज में, ठीक है सर, पहली बाइंग आपकी करी निफ्टी वीज में, ठीक है, पहली बाइंग आपने निफ्टी वीज में कर ली, 20,000 रुपये आपने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है सर। उसके बाद में आपने जो दूसरी बाइंग है, आपके पास अलग डीमेट नहीं है, तो आप जो है अपनी दूसरी बाइंग जब करेंगे, ये तरीका दूसरा है, पहली बाइंग आपकी CMP पे आपने निफ्टी वीज में कर ली, दूसरी कर लीजिए आप SBI निफ्टी में, इसका भी ETF आता है, ठीक है। दूसरी बाइंग आप इसमें कर लीजिए 20,000 रुपये की, जब भी 3% की आपको इसमें गिरावट लगती है। तीसरी खरीदारी आप UTI निफ्टी में कर लीजिए, और भी बहुत सारे निफ्टी आते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, SBI निफ्टी 50 ETF, निपॉन इंडिया का आप देख ही रहे हैं, ठीक है सर, ये देखिए निफ्टी IT दिख रहा है यहाँ पे, मिराज एसेट निफ्टी 50 ETF, ये देखिए इसका भी 50 निफ्टी 50 के ETF में ये भी निवेश करते हैं, निपॉन इंडिया का आपके पास है ही, है नहीं। तो ऐसे अलग अलग कंपनियों के आप 4 ETF में यहाँ पे जो है निवेश कर सकते हैं अलग अलग कंपनियों के। तो इससे भी यही होगा कि जब भी इसमें भी आपका FIFO रूल नहीं लगेगा, FIFO वाला रूल जो है वो नहीं लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप इसमें भी यही कर सकते हैं। FIFO रूल क्या है इसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि FIFO रूल क्या होता है। बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, मुझे पता है कि FIFO रूल क्या है सर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपकी चौथी खरीदारी है, जिस भी कंपनी का आपने ETF खरीदा निफ्टी 50 का, तो सबसे पहले जैसे ही निफ्टी 50 ऊपर की तरफ भागेगा तो 3% आपका इसमें बन जाएगा, आपका फंड यहाँ से जो 20,000 है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है सर, आपको समझ में आया। थोड़ा सा और भागेगा आपका ये तीसरा वाला फ्री हो जाएगा, चौथा वाला फ्री हो जाएगा, उसके बाद दूसरा फ्री होगा, फिर पहला फ्री होगा, इस तरीके से आप यहाँ पे फ्री कर सकते हैं, आप FIFO रूल से बच सकते हैं, और आपका जो है कैपिटल जो भी फंड है वो घूमता रहेगा, आप फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे। वैसे तो आप निफ्टी 50 में फंसे हुए हैं नहीं, लेकिन आप फिर भी जो है फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे। अब इससे भी बेहतरीन तरीका एक मैं आपको और बताता हूँ, तीसरा, देखिए मैं बहुत सारे तरीके आपको बहुत सारी वीडियो में बताए हुए हैं, लेकिन इसी बहाने मैंने सोचा और लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, आपने कमेंट करा तो मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सोल्यूशन यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप देखिए आप क्या करिए, आप देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आपने अगर देखा कि मेरी पहली खरीदारी CMP पे हो गई, ठीक है सर, उसके बाद निफ्टी 3% डाउन चला गया, आपने जो है दूसरी खरीदारी भी कर ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने तीसरी खरीदारी भी कर ली, निफ्टी जो है फिर 3% डाउन हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ से 6% के आसपास निफ्टी में जो है डाउन आ गया। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा आप रुक जाइए यहाँ पे, थोड़ा ठहर जाइए, ठीक है। आप देखिए कि आपने देखा कि 6% का लगातार फॉल आया निफ्टी में, अच्छी बात है, तो कुछ ना कुछ बचा है, तो आप क्या करिए, आप थोड़ा फंड और जुटाइए अपने पास, एक्स्ट्रा पैसे करिए, और जैसे ही निफ्टी 50 में यहाँ पे 3 की जगह 5% या 6% की गिरावट आपको दिखाई दे, आप जो है तब बाई कीजिए इसमें, आप जो है तब बाई कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका एवरेज प्राइस नीचे आएगा, आप ज़्यादा डाउन होने पर बाई कर रहे हैं, और आपका जब प्रॉफिट बनेगा तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बहुत तेज़ी से बनेगा, फिर आपको 9% तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अगर 3 खरीदारी कर ली है, निफ्टी 50 6% नीचे आ गया है, निफ्टी भी 6% नीचे आ चुका है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, फिर देखिए जो 3% पे आप खरीदारी कर रहे थे उसको बढ़ा के 5 से 6% लेके जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ वजह है जो 6% लगातार नीचे आ रहा है, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि निफ्टी 50 6% डाउन है और उसके बाद जैसे ही 4-5% नीचे आया, यानी कि टोटल अगर 4% भी आता है या 5% भी आता है तो 11% डाउन हो जाएगा टोटल, 6 और 5 11, तो वहाँ पे आप दबा के खरीदारी करिए, फंड को इकट्ठा कीजिए और खरीदारी करिए वहाँ पे। तो तीसरा तरीका ये है आपको इससे बाहर निकलने का, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
और देखिए जबरदस्त तो बेहतरीन तरीके से आप जो है इसमें प्रॉफिट बनाते ही रहेंगे। चौथा तरीका मैंने आपको बताया, इसका डेडिकेटेड वीडियो, आप जो है कवर्ड कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कवर्ड कॉल कर सकते हैं। आपकी खरीदारी ज़्यादा हो गई, मैंने 1 लाख का कैपिटल लिया था, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल का आपने जो है इसमें निवेश कर दिया या आपके पास ज़्यादा कैपिटल था, तो आप इसमें कवर्ड कॉल करके हर महीने पैसे भी इनकम को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसकी पूरी स्ट्रेटजी और वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसमें काम करेंगे, किस तरीके से आप कवर्ड कॉल करके रेगुलर बेसिस पे निफ्टी 20 से आप पैसे बना सकते हैं। तो आप ETF में निवेश कर रहे हैं, आपका वैसे भी यहाँ पर रिस्क लगभग जीरो है, लगभग जीरो है, आपको कोई भी यहाँ पर रिस्क है नहीं, आपको SL रखना ही नहीं है। आपका कैपिटल हो सकता है कि 1 महीने की जगह 2 महीने में खाली हो, 3 महीने में खाली हो, लेकिन आपको जो है यहाँ पे लॉस नहीं होगा, आपको ज़बरदस्त यहाँ से रिटर्न बनेंगे। और आपके पास अगर अधिक कैपिटल हो तो ज़रूरी थोड़ी ना आप Nifty 50 में डालिए, आप IT में डालिए, आप फार्मा में डालिए, आप जो है बैंक में डालिए, आप जो है और अदर ETF हैं, बहुत सारे ETF हैं, आप उनमें डाल सकते हैं, तरह तरह के ETF हैं, उनमें मैंने ज़बरदस्त आपको स्ट्रेटजी साझा करके दी हैं, जो लाखों रुपए के कोर्सेज में पेड बिकती हैं, लाखों रुपए लोग आपसे ले लेते हैं और स्ट्रेटजी सारी यही रहती हैं। तो आप जो है उन और ETF में खरीदारी कर सकते हैं, अपने पैसे को और डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। आप एक ETF में ना खरीद के और में खरीदिए, जिसमें ही बाउंस बैक आए वहाँ से आपका पैसा खाली होगा, और जो भी ETF ज़्यादा गिरा हुआ मिले उसको खरीदिए। मैंने बताया ना कि भागते हुए तो शेयर को खरीदना चाहिए, लेकिन जो गिरा हुआ ETF है उसमें एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आप उसमें खरीदारी करें, क्योंकि उसमें जब भी बाउंस बैक आएगा आपको तगड़े रिटर्न दे के जाएगा, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रिटर्न दे के जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि अगर आपकी 5 खरीदारी भी हो जाती हैं तो घबराने वाली बात है नहीं, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इन 4 तरीकों में से कोई सा भी तरीका अपना के आप जो है उसमें और थोड़ा सा जो आपका टाइम खराब हो रहा है वो टाइम खराब ना होते हुए आप पैसे को और जल्दी रोटेट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फंस तो सकते हैं 1 आध महीने के लिए, लेकिन लॉस नहीं कर सकते। अगर आप अपना डर और जो है लालच काबू में रखते हैं तो मार्केट में लॉस आपको होने वाला नहीं है। अगर आप ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आपको लॉस नहीं होने वाला है। और बाकी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।